कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें भारत गर्व न कर सके कि उनकी बेटियों ने उसमें योगदान नहीं दिया है। साहस का हो, सेवा का हो, संस्कृति का हो, क्रिएटिव एक्टिविटी हो, हर चीज में। सर आज तो सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ कि RPWD एक्ट 2016 में मिल गया, फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मिला और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सबके बहुत फेवर में है। मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ एंड व्हाट आई जब भी मैं चाइना, पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, दे ऑलवेज टेल मी यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। I'm really happy about it and very proud of you. So I can't see you but I can hear your voice. मैं आपको अपने अंदर की आंखों से मैं आपको जरूर देख सकती हूँ सर। हमारे इंडिया डिसेबल्ड पीपल के लिए और भी एक्सेसिबल बने, आपने बहुत सब किया है इंडिया के लिए, आपने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किया है, सुगम भारत कैंपेन, और बहुत अच्छा लगा है सर। एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, आपने देखा होगा हम प्रधानमंत्री आवास योजना कर रहे हैं, इतने कम समय में 2 करोड़ परिवार को अपना पक्का घर मिलना अपने आप में बड़ी बात है, और एक घर की कीमत लाखों में है आजकल, यानी एक प्रकार से 2 करोड़ मेरी माताएं लखपति बनी है। हम चाहते हैं कि परिवार में भी डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा होना चाहिए। ये हिस्सा तब आता है जब इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होता है, उसका भी वजूद बनता है, और तब जाकर के निर्णय भी बड़े हेल्दी होते हैं। पहली बार ऐसे लगता है कि हम सब बहनों के जो एवार्डी है उनसे मुलाकात, पहले आप हो जो इस टाइप का सुन रहे हो, समझ रहे हो, हमारे दुख सुख के साथी बन रहे हो, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं डांस से सिखाना जाती हूँ और डांस क्लास करना जाती हूँ, आपका देश का नाम रोशन करूँगी। शाबाश। For the last 32 years, I'm associating myself with devising of alphabets to tribals. Thank you for your new education policy that you are insisting people to have मातृभाषा में उन लोगों को पढ़ाने के लिए आप जो फैसिलिटी उन लोगों को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके लिए I'm very grateful to you sir. 15 साल की थी तब से पढ़ा रही थी और आज मेरे 25 साल पूरे हो गए हैं इस लक्ष्य को चलाते हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे काम को अपनी नज़रों में लाया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर मैं ऐसा समझती हूँ कि अब हमारे देश को टेक्नोलॉजी लीडरशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सर आपने जो बजट निकाला मुझे उसमें एक बहुत खुशी लगी कि क्लाउड और एज इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में रोड और बिजली होती थी, आज के ज़माने में स्पेशली कोविड ने हमें सिखाया है कि आज के ज़माने में क्लाउड, एज और कनेक्टिविटी सर बहुत ज़रूरी है। अब सब जीवन में समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ करना, और उसके पीछे एक सेवा भाव तो है ही है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि इनोवेशंस भी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं जोर लगा रहा हूँ सबका प्रयास। क्या कारण है कि हम पीछे रहे? दुनिया में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य है, और इसमें सबका प्रयास बहुत आवश्यक है, कर्तव्य भाव जगाना बहुत आवश्यक है। एक जो विज़न है, एक जो मिशन है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, और एक जो उनका एक बहुत विस्तारित ज्ञान है, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए थे, तमाम तरह की जो भाषाएं, भारतीय भाषाएं हैं वो बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो उनके भावों को एक्सेप्ट कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे और फिर उनका जवाब दे रहे थे, ये बहुत अद्भुत है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक बहुत सक्षम नेतृत्व हमारे देश को मिला है जिसकी एक वैश्विक छवि है। आई एम अ मर्चेंट कैप्टन फॉर पास्ट 30 ईयर्स एंड आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड द ग्लोब एंड वेर एवर आई हैव गॉन इवन टू द नेशंस with which we do not have a
positive vibe like China or Pakistan. The people there always tell me that you have a strong leader. That makes me proud of our PM. जो भी कदम प्रधानमंत्री साहब ने उठाए तो जो भी स्लोगन थे वो सही साबित हो रहे हैं तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि सारे जो स्लोगन है सारी जो वो पूरा हो रहा है जैसा कि हमारे पीएम साहब ने कहा डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाए तो वो भी पूरा हुआ। प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जैसे ई नाम सेवा उन्होंने दी है FPO बनाए हैं जिनसे किसान एक साथ जुड़ के एक छत के नीचे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ओह इट वाज अ ग्रेट फीलिंग आई कैन नेवर बिलीव दैट आई विल मीट PM या आई एम डूइंग मैथमेटिक्स बट दिस फीलिंग वाज रियली मींस आई जस्ट कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स ही वाज सो एक्सेसिबल एंड ही एक्सप्रेस्ड his thoughts. The one thing which he told me and it really touched me is that about wasting of food, which I feel is very, very important. PM Modi ji se mili hu aaj, bahut acha laga. Unhone mahila ke bare mein, nari shakti ke bare mein bahut kuch bataye hain. Mahilaon ke liye bahut sare yojanaen banaye hain.